हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फोर क्लास 8th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2nd September 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो, आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, पदार्थ, धातु एवं अधातु। सो, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? तो बेटा, जहाँ पर आप बैठे हो एक नज़र दौड़ाइए, आप देखिए जो है आपके चारों तरफ कितनी तरह के पदार्थ हैं, ठीक है। और इन पदार्थों को कुछ जो है वो धातु हैं, कुछ जो है वो अधातु हैं, तो इनको हम अलग अलग जो है इन पदार्थों को दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर इनको दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। सो, आज हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में, कि धातुओं के भौतिक गुण जो है वो क्या होते हैं। तो भौतिक गुण, देखो गुण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी उनको दिखावट में कैसे हैं, ठीक है, वो उनके भौतिक गुण होते हैं। और रासायनिक गुण कि जब वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो है वो कैसे उनके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या नया उत्पाद बनता है, वो उनके रासायनिक गुण कहलाते हैं। सो, हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, और जिसमें पहला भौतिक गुण है कठोरता। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, सोडियम व पोटाशियम धातुएं वो बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं बच्चों, मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटाशियम धातुएं वो इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। दूसरा क्या है, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या है, तार में परिवर्तित करना। आप याद रख सकते हो, त से तन्यता, त से तार में बदलना। धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है। सभी बच्चों ने ऐसे जो है कॉपर की तार देखी है, तांबे की तार देखी है, एल्यूमिनियम की तार देखी है, लोहे की तारें देखी हैं। तो ये जो गुण होता है जिससे धातुओं को तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, वो तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए जो कॉपर है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। नेक्स्ट देखिए ठोस अवस्था। अब आपने देखा है कि मोस्टली जो धातुएं हैं वो कैसी अवस्था में होती हैं, वो ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, और अपवाद क्या है, मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर अपवाद क्या है, मरकरी। मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी बच्चे जानते हैं थर्मामीटर में, बेटा आपने देखा है ना, थर्मामीटर में नीचे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद भरी हुई होती है, तो वो क्या होती है, वो मरकरी होती है, जिसका उपयोग किसमें होता है, थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे अधात वर्धनीयता। अधात वर्धनीयता जो है इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सामग्री आपको दी गई है, लोहे की कील, एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़ और हथौड़ी आपको लेनी है। तो आपको लोहे की कील लेनी है, एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार, कोयला लेना है, पेंसिल का सिक्का आपको निकाल के ले लेना है, कार्बन, कार्बन की जो छड़ होती है, जो बेटा जो कार्बन की छड़ आप जो है सेल जो होते हैं उनसे निकाल सकते हो, हथौड़ी आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसे बहुत सावधानी से करें और अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। आपको क्या करना है, इनको एक एक करके हथौड़ी से पीटना है। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो आपको पीटने के बाद क्या मिला आपको, वो जो है तालिका, इसको ही जो है आपको ये तालिका पूरी करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पाया यहाँ पर, कि पीटने पर क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए लोहे की कील, अगर हम लोहे की कील को पीटेंगे, हथौड़े से पीटते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, काफ़ी पीटने के बाद वो चपटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चपटा हो गया।
आप बेटा पूरा कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे चपटा हो गया। नेक्स्ट देखिए कोयला, कोयला तो अगर हम उसको हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टूट गया। ओके टूट गया। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम की तार, एल्यूमिनियम की तार को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे चपटा हो जाएगा। कॉपर की तार भी क्या हो जाएगी, वो भी चपटी हो जाएगी। ठीक है, कार्बन की छड़ बेटा वो टूट जाएगी, क्या हो जाएगा, टूट गया। उसके बाद देखिए पेंसिल का सिक्का भी क्या होगा, टूट जाएगा, वो चपटा नहीं होगा पेंसिल का सिक्का, वो टूट जाएगा। तो इस तरह से आप इस तालिका को पूरा करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं का ये जो गुण होता है उन्हें शीट में, शीट यानी जैसे एल्यूमिनियम को पीटकर फॉयल बनाई जाती है, चांदी की जो फॉयल है वो बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आपने फॉयल देखी है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम की फॉयल। बेटा सोने के जो है पतली पतली चादर बनाई जाती है जिनसे ज्वेलरी बनती है। तो ये जो गुण होता है धातुओं का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अधात वर्धनीयता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं, अब धातुओं के गुण क्या क्या हुए, पहला तो कठोर हो गई, चमकीली भी होती हैं, तन्य हैं और अधात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण देखिए, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इत्यादि। और अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये किसके उदाहरण हैं, ये अधातुओं के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और देखिए कि क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने वर्कशीट समझ ली है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए इनको करते हैं। फर्स्ट क्या है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बेटा आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे, दो धातुओं के नाम ये सोडियम व पोटेशियम, ये हो गया पहले का उत्तर। नेक्स्ट देखिए, एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी। मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप यहां से ये जो है लिख देंगे, मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हो गया दूसरे का उत्तर। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो तन्यता किसे कहते हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा तन्यता के बारे में, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। तो आप किस धातु का जो है तार बनवाना पसंद करेंगे, तो हम लिख देंगे कॉपर। ठीक है, हम किसका तार बनवाना पसंद करेंगे, कॉपर, तो आप लिख देंगे बेटा कॉपर। ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न चार क्या है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से अधात वर्धनीय हो सकती हैं। तो जो दो धातुएं हैं वो आसानी से कौन सी अधात वर्धनीय हो सकती हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, ये आपका प्रश्न चार का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है धातुएं हैं जिनके आसानी से हम उनको पीटकर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न पांच, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो बेटा आपको पता है एल्यूमिनियम धातु का उपयोग, कि उसको हम पीटकर उसकी एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं जिससे, जिसमें हम खाना जो है वो लपेट कर जो है लेकर जा सकते हैं या लपेट कर रख सकते हैं। दूसरा उपयोग भी आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम धातु का, कि जो एल्यूमिनियम धातु है उसको तारों में परिवर्तित करके उसके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो बेटा यहां से आप इसका आंसर लिख लीजिए, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग आपको लिखना है, ये प्रश्न पांच का उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु से एल्यूमिनियम के तार और बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न पांच का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।